हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का नीट का एग्जाम आपके पास में आ चुका है और आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से बढ़ चुकी होंगी। और आज ही आप इस लोग आपकी इस तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं वो डायग्राम लेकर आया हूँ और उन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, जिससे आपको दोनों तरह से फ़ायदा हो सके। आपको डायग्राम स्वीक के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी, प्लस उसके साथ साथ में आप लोगों को फुल नॉलेज मिलेगी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके सामने ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे हैं। तो ये जो ए बी सी डी है इनके हमें नाम बताने हैं। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि वैसे ये जो पता है ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज जो होता है इसको हम हिंदी में जीवाणु भोजी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ए वाला जो पार्ट है ना, ए वाला पार्ट इसके शीर्ष का है। तो यहाँ पर देखो, ए वाला पार्ट शीर्ष कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक चीज से हमने पूरा का पूरा आंसर आराम से निकाल लिया। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। पहले आप लोग डायग्राम देख लीजिए, आप लोग ये आराम से डायग्राम देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। इस डायग्राम के सामने नीचे दे रखा है, ये दे रखा है ए बी सी डी, और ऊपर भी ए बी सी डी दे रखे हैं। तो मुझे पता है कि जो डी है, जो धागे धागे से दिखाई दे रहे हैं, ये मूलाभास है। क्या है मूलाभास? तो मूलाभास दे रखा है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। तो मेरा जो ऑप्शन ए और सी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन ए, ये वाला जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है आर्चिगोनिया, आर्क्योगोनोफोर होता है। तो आर्क्योगोनोफोर सिर्फ बी में दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और सी वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, जेमा कप बोल देंगे। तो जेमा कप जो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सामने चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इस चित्र में मुझे जहां तक अंदाजा कह रहा है, अंदाजा कह रहा पूरा कन्फर्म है कि ये वाला जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम है जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म में इस वाले पार्ट को बोलते हैं गिंगो। क्या बोलेंगे? गिंगो बोलेंगे। तो ऑप्शन डी वाला जो है, ऑप्शन डी में देखेंगे, गिंगो यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस बड़े प्यार से, बहुत कम समय में बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये बीजांडासन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा चित्र डायएंथस में बीजांडासन को प्रदर्शित करता है? तो देखो, ये मटर जैसा है, ठीक है, और ये नींबू जैसा है, लेकिन जो डायएंथस वाला जो है, ये एनसीईआरटी में, फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी में ये बीजांडासन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा पूरा मेंशन कर रखा है। इसका जो ऑप्शन आएगा डायएंथस में, ऑप्शन बी वाला जो डायग्राम है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये पूछा गया है कपास के, कपास के पुष्पों का जो दल होता है वो आपस में किस तरीके से मिलकर बना होता है? तो कपास का जो आएगा वो कपास का आएगा ऑप्शन सी वाला, कपास का ऑप्शन सी वाला आएगा। ठीक है, ये पुष्प दल विन्यास से संबंधित है, ये भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, सबके एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आप लोगों के सामने, ये अंतःप्रदीपी जालिका है। अंतःप्रदीपी जालिका पर राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ये खुरदरी अंतःप्रदीपी जालिका कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, गलत। गोल्जी उपकरण प्रोटीन संश्लेषण करेगा, गलत। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड करेगा, गलत। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण करेगा, 2013 में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा पूरी तरीके से सही आंसर है। आगे बढ़ता हूं मैं, आप आगे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर आंसर है, मुझे बताना है कि कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है ए श्वसन एंजाइम के लिए मुख्य स्थल है, ए वाला गलत। बाहरी विपाटन, ये भी गलत है। आंतरिक झिल्ली अंतर्वलन प्रणाली से किस्टी कहते हैं? तो ये जो बी वाला है, तो आपको बताएं माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक वाला जो भाग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक भाग जो होता है, उसमें उंगली समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो ये वाला आएगा, सी वाला, क्रिस्टी वाला। ठीक है, यहां पर आप लोग ग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ विभव ऊर्जा दे रखा है, यहाँ अभिक्रिया दे रखी है,
या क्रियाधार दे रखा है और यहाँ पर बी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन में इसकी जो आंसर जो होगा, ऊर्जा ए के एंजाइम की उपस्थिति में और बी एंजाइम के अनुपस्थिति में अंतर उसमें अभिक्रिया, तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ये जैव अणु में एंजाइम से संबंधित है, वहां पर जाकर आप एक बार से देख सकते हैं। यहाँ पर वाई अक्ष है, यहाँ पर एक्स अक्ष है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, तापमान जो एक्स वाला है ये तापमान है और एंजाइम सक्रियता ये वाई वाला अक्ष है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये वायु कोश का डायग्राम है, किसका है, वायु कोश का है, रेस्पिरेशन से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला जो दे रखा है ना ये कूपिका है, ये क्या है, ये कूपिका, ठीक है। तो यदि कूपिकी गुहा श्वसन गैसों के विनिमय मुख्य स्थान है तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट हो जाता है तो आपने देखा होगा उसकी ईसीजी चलती है इस तरीके से टेढ़ी-मेढ़ी चलती है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है पी तरंग क्या दर्शाती है, मतलब ये ईसीजी है, ईसीजी में आपके सामने जो पी तरंग दे रखी है ये पी तरंग क्या करेगी, तो दोनों अलिंद संकुचित हो रहे हैं, मतलब इससे ये पता चलता है कि दोनों अलिंद जो होते हैं वो संकुचित हो रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर दो हृदय के अंदर दो अलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं, ठीक है। चलो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये किडनी से संबंधित है, ठीक है, और यहां पर आपको मुख्यतः दिखाई देगी जो ए वाला है ये अधिवृक्क ग्रंथि है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि, तो ए अधिवृक्क ग्रंथि है, तो यहां पर कहीं दे रखा है देखो ये रहा, ए अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित है, कैटेकोएल्मिन का श्रावण करती है जो ग्लाइकोजन के अपघटन को उद्दीपित करती है, तो बिल्कुल सही जवाब है हमारा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, पानी लिया ठंडा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा ये चित्र है, और ये चित्र पता है किसका है, ये है मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पर एंडोमेट्रियम नहीं, तो ए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन तीसरा जो है इन्फंडिबुलम, ठीक है, चौथा फिम्ब्री और पांचवा झालर, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ये वाला है ऑप्शन बी वाला, मतलब तीसरे नंबर पर इसमें जो दे रखा है वो इन्फंडिबुलम है, ये वाला झालर है और ये वाला सर्विक्स है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पुरुष जनतंत्र का एक डायग्राम है, ये भी डायग्राम आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। यहां पर ए शुक्रवाहक है, तो ए और बी ये तो आएगा नहीं, शुक्रवाहक आएगा, फिर हमसे कह रहा है बी वाला हो गया शुक्राशय, तो बी वाला हो जाएगा शुक्राशय, उसके बाद में हो जाएगा सी, हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, सी हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। और इस तरीके के सभी डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में दिखाई दे जाएंगे, सारे एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों के सामने एक चित्र है, ये भी चित्र जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो मुझे इसमें बताइए चार ऑप्शन को देख के इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जब लड़की की फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है तो उसे बोलते हैं नसबंदी, और नसबंदी में महिलाओं में जो कहा जाता है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ पर देखो जिधर रखा ट्यूबेक्टोमी, अंडवाहिनी उच्छेदन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब लड़कों में नसबंदी कराते हैं तो उसे बोला जाता है वासेक्टोमी, यहाँ लड़की का दे रखा है तो हम बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी आंसर आएगा। आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर ये बॉक्स है, ये बॉक्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, जो ऐसा गोला गोला सा है ये तो लड़की है, और जो चौकोर चौकोर सा है ये है लड़का, अगर डार्क हो जाए तो समझ जाएंगे ये प्रभावित लड़का है, प्रभावित लड़का मतलब इसमें कोई ना कोई बीमारी होगी। तो यहाँ पर इसकी संतान है, ठीक है, तो इसकी लड़की है यहाँ पर, तो लड़की की फिर से शादी करा दी हमने, तो यहाँ पर दे रखी है आप लोग देख सकते हैं। तो ये कैसा है, तो बोलेंगे एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है ये वाला, या तो ये हीमोफीलिया हो सकता है या ये वर्णांता हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे आपके सामने दे रखा है
आपको बताना है कौन सा इसमें सही मिलान किया गया है। ये बिल्कुल गोल है, अप्रभावित नर तो बिल्कुल गलत है, ये लड़की होती है, ठीक है। ये दे रखा है अप्रभावित मादा, तो आपको बता दें ये लड़का होता है, मादा नहीं होता। और ये दे रखा प्रभावित नर, ऐसा जो होता है हमें पता नहीं होता कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। और ये दे रखा है संबंधियों के बीच संगमन, मतलब रिश्तेदारों के बीच मैथुन जो है वो इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख पा रहे होंगे यहां पर, देखो डीएनए का निम्न में से वह कौन सा विलोम अनुक्रमी बेस अनुक्रम है जिसे किसी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य भाग से काटा जा सकता है। तो 5-GAATTC ये आता है, ध्यान रखना। देखो कहां पर है 5-GAATTC 3- और यहां पर देखेंगे उल्टा, देखो 5-GAATTC 3- तो ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर है। इसे कहा जाता है डीएनए पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डीएनए पैलिंड्रोम। यहां पर देखो किसी डीएनए में यदि थायमिन की मात्रा दे रखी है 20%, तो ग्वानिन की मात्रा क्या होगी? इसका जवाब मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। मिला क्या आपको आंसर? आपको आंसर मिल जाएगा उस वाले लड़के साथ में, वाली आपको आंसर, आपको चुटकी बयाद ही मिल जाएगा। इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को दे रखा हो तो प्रश्न के अंदर जितनी मात्रा दे रखी है उसे 50 में से आप घटा दिया करो। तो यहाँ 20 दे रखी है, 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आंसर आएगा। देखो यहाँ पर 30 दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 30 दे रखा है, ठीक है। हाँ, अब चमक आ गई, तो 30 है। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाता है तो आपको क्या काम करना है, जितनी परसेंटेज दे रखी है उसे 50 में से घटा देंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। चारगाफ के नियम के अनुसार ये वाला आंसर आता है, क्योंकि चारगाफ ने कहा था कि एडेनिन की मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। यहां पर कुछ पिरामिड दिखाया गया है, ये आपके सामने पिरामिड है, ये जन्म से पूर्व है, ये जनन क्षम है, ये जन्मोत्तर है, मतलब जन्म के बाद है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या हो रही है, यहाँ पर समष्टि मतलब जनसंख्या जो है वो घट रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो घटती समष्टि। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए जा रहे चित्र में जीवधारी की जैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया का एक आदिकी निरूपण दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा नाम बताने सिर्फ हमें। चलो पहले नंबर का क्या दे रखा है, पहले नंबर का हुआ नियामक, तो ऑप्शन सी जो है ये है नियामक। ऑप्शन सेकंड नंबर पर है ये आएगा संरूपक आएगा, फिर आएगा आंशिक नियामक, ठीक है। तो तीसरा ये नियामक आंशिक नियामक सही है, ऑप्शन सी इसमें आंसर आएगा, नियामक संरूपक और आंशिक नियामक ये आएगा। आगे देखो ये जो रूल है ये बहुत ही अच्छा रूल है, एक वैज्ञानिक थे जिसे कहते हैं लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। तो देखो यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी, मतलब उत्पादक जो होगा पौधा जो है वो उत्पादक होता है, उत्पादक के पास कितने 20 जूल, ये 20 है तो 10% ऊर्जा अगले स्तर को मिलती है, तो 10% काटेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ 20 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 0.2 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 0.02, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा 0.02 जूल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चन हैं, लास्ट में दिखा देता हूं मैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई है। आप लोगों को ये बताना है जो ये फूल दिखाई दे रहा है ये किस चीज का फूल है। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर गांव के आप बच्चे हैं तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये धतूरा है। क्या है? ये धतूरे का है, और धतूरा जो होता है ये विभ्रामक पदार्थ होता है, मतलब हेलुसिनोजन के रूप में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हेलुसिनोजन, ऑप्शन ए।
ठीक है। और आप लोग इसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर दर्द निवारक, उद्दीपक, अवसादक, ये हिंदी के शब्द हैं, विभ्रामक हिंदी का शब्द है, यहाँ पर विभ्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं हेलुसिनोजन, तो यहाँ हेलुसिनोजन इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखकर दिया गया है और इसी तरीके से आप लोगों को फंसाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्मूला सा दे रखा है, मतलब एक आप लोगों को चित्र सा दे रखा है, ये पहचानना है, ये हेरोइन है नहीं, ये पेपेवर सोमनीफेरम के पुष्प से प्राप्त होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मॉर्फिन, क्या है ये मॉर्फिन है, और मॉर्फिन जो होती है अफीम के पौधे से मिलती है, अफीम के पौधे का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, जो पीड़ा नाशक होती है, मतलब पीड़ा हारी होती है, पीड़ा को सहन करने के योग्य होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक आप लोग इंटर मतलब 12th क्लास की बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लीजिए, प्रतिरक्षी अणु का अच्छी तरह नामांकित चित्र, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो श्रृंखलाएं दे रखी हैं, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज को H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं, और इसका अंग्रेजी के वाई अक्षरनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वाली जो साइट आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये एंटीजन एंटीबॉडी साइट, एंटीबॉडिंग साइट है, मतलब इसी जगह पर ये क्या काम करते हैं, एंटीजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। आगे और मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के और बन सकते हैं, एक डायग्राम और है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एवन सर यूट्यूब चैनल, एवन सर यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की जीरो से लेकर एडवांस तक सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस जगह पर आप लोगों को मतलब कि 10th क्लास से लेकर 11th क्लास, 12th क्लास, नीट से रिलेटेड कंप्लीट बायोलॉजी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये संरचना है ओव्यूल्स की, जिसको हम बोलते हैं बीजांड, यहाँ पर अंदर की साइड में भ्रूण कोष होता है जिसमें 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक पाए जाते हैं, यहाँ पर ये बाहर वाला ये अंदर वाला, बाह्य अध्यावरण अंत्य अध्यावरण दो अध्यावरण पाए जाते हैं, ऊपर वाला जो भाग है इसको निभाग बोलते हैं, कैलाजा बोलते हैं, निभाग वाली छोर पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, नीचे की तरफ माइक्रोफाइल है बीजांड द्वारा है, इसी जगह से जो पानी होता है वो अंदर प्रवेश करता है, ये भी आप ध्यान रखना। और ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है या नहीं, इसको ये अंडकोश का है, दो सहायक कोश का है, अंडकोश का सहायक कोश का आपस में मिलकर अंडोपरण का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको नाभिका या हाइलम बोलते हैं, ये बीजांड ग्रंथ वाला पार्ट है जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है, मतलब इस डायग्राम से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मैंने ये डायग्राम भी दिखा दिया। यहाँ पर एक डायग्राम और आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी इंपोर्टेंट है ये है, इसे बोलते हैं स्टेनले मिलर का प्रयोग, स्टेनले मिलर ने मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प का इस्तेमाल किया था लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर वाटर को लेकर वाटर को बॉयल किया गया तो यहाँ से वाटर वेपर गया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें थी, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल गैसेस वगैरह हैं, या इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पर चिंगारियाँ उत्पन्न की गई, चिंगारियाँ जैसे उत्पन्न की गई, फिर उस गैस को और जल को ठंडा किया गया, जैसे ठंडा किया, या कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर लाल कलर का तरल द्रव दिखाई दिया, जैसे यहाँ पर लाल कलर का तरल द्रव दिखाई दिया तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड कार्बनिक मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था, जिससे पता चलता है कि अकार्बनिक पदार्थों से ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये AI ओपेरिन ने और हेल्डिन ने इसका प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। अगर हम माइंड की बात करें तो माइंड के अंदर एक तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड मिलेगी, ठीक है, उसके बाद में पीनियल ग्लैंड मिलेगी, कौन सी ग्लैंड मिलेगी, पीनियल ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, इससे पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन जब ज्यादा निकल जाता है तो बॉडी पर तिल ज्यादा निकलते हैं, क्या निकलते हैं, तिल, और मेरी बॉडी पर तिल ज्यादा है, इसका मतलब मुझे समझना चाहिए कि मेरी बॉडी से मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है। ये है पीयूष ग्रंथि, मानव शरीर में यहाँ पर इस जगह पर सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इसी को मास्टर ग्रंड कहा जाता है, इससे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और ये अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंड कहा जाता है, इसी को पिट्यूटरी ग्रंड बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ADH हार्मोन, ये सारे हार्मोन इसी से निकलते हैं। थोड़े गले की साइड में आएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है,
ये वाला जो पार्ट है ना, इस जगह पर थायराइड ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो उस समय घेगा रोग हो जाता है, ये फूल जाती है। ठीक है, यहाँ पर है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड चार होती है, गुलाबी कलर की होती है। इससे पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को बॉडी के अंदर, खून के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है, नियमन करने का। इस जगह पर आप लोगों को दिखाई दे रही है, नाम तो यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर होती है थाइमस ग्लैंड जो थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। ये पहले एज के साथ बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे इसकी मतलब इसका आकार छोटा होता जाता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं और जो बड़े बूढ़े होते हैं ये ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन जवान जो होते हैं ये कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उस समय इसकी मात्रा बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, और यहाँ से थायमोसिन हार्मोन भी रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाई दे रही है एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अग्नाशय, पेनग्रियास बोलते हैं। इसकी अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन हार्मोन, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज बीमारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर किडनी है, और किडनी भाई जब दिखाई देती है मेरा मूड ही खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है पता ही होगा आप लोगों को। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रैंड होती है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्रैंड से एड्रिनेलिन नॉन एड्रिनेलिन हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको आपातकालीन या और क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स के अंदर मादाओं में अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और लड़कियों के अंदर जो बदलाव आते हैं इन्हीं हार्मोन की वजह से आते हैं। और ये है दो नीचे की साइड में, इनको हम पता क्या बोलते हैं, लड़का तो समझ चुके होंगे इसको क्या बोलते हैं, लड़कियों को नहीं पता, बायोलॉजी की भाषा में बताएं या सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बायोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं ब्रशण, ब्रशण बोलेंगे या टेस्टिस बोलेंगे। ये नर में पाए जाते हैं, दो होते हैं, शरीर के बाहर लटके रहते हैं। क्यों लटके रहते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से बन सके इसलिए लटके रहते हैं। ठीक है, इससे एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, शुक्राणु भी इसी से बनते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही दाढ़ी मूछ निकलती है, आवाज भारी हो जाती है, शरीर का विकास होता है। ठीक है, चलो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक छोटी सी स्ट्रक्चर और है, ये स्ट्रक्चर है ब्रेन की। तो यहाँ पर कैरोमस है, यहाँ पर प्रमस्तिष्क है, अग्रमस्तिष्क बोलते हैं, अग्रमस्तिष्क ये वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ प्रमस्तिष्क है, हम जो सोचते हैं विचारते हैं वो सब इसके द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं अग्रमस्तिष्क में ही आते हैं, ये है मध्य मस्तिष्क जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम मस्तिष्क है जिसमें पॉन्स अनुमस्तिष्क को मेडुला आता है। ये अनुमस्तिष्क जो होता है बॉडी को स्थिर बनाए रखने का काम करता है, चलना फिरना दौड़ना ये सारी चीजें, सिर के ऊपर नाचना कूदना ये सब अनुमस्तिष्क को कंट्रोल करता है, सोचने विचारने का काम जो होता है ये प्रमस्तिष्क का आगे वाला मस्तिष्क का होता है। तो यही कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी ज्यादा बात नहीं है। अब आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट चीजें दिखा देता हूँ। ये हमारा एक पैर है, ये क्या है, एक पैर है। ठीक है, पैर में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये श्रोणी अस्थि है। ठीक है, यहाँ पर ईलियम है, यहाँ पर प्यूबिस है, यहाँ सेक्रम है, यहाँ ईशियम है। ठीक है, और ये है जांघी हड्डी जो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। पेपर में आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे फीमर होती है। ठीक है ना, इसी को उरु बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये घुटना है, घुटने के ढक्कन बोलते हैं, घुटने के ढक्कन को ही पटेला कहा जाता है। और इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमारी जो तिल्ली जो होती है, तिल्ली के पास दो हड्डियां होती हैं, जिसमें कि एक होती है टीबिया, एक होता है फुबेला। टीबिया फुबेला दो हड्डियां होती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एडी है, एडी को टॉर्सल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको मेटाटॉर्सल बोलेंगे, और जो उंगली वाला जो पार्ट है इसको हम फ्लेंजेस बोलेंगे। और फ्लेंजेस की संख्या जो होती है पता कितनी होती है, नहीं पता मैं बताता हूँ, वो होती है 14। एक पैर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है, और एक पूरे हाथ में जो हड्डियों की संख्या होती है, सॉरी गलती से बोल गया, एक पैर में उंगलियों की संख्या जो होगी वो होगी 14, और एक पैर में या एक हाथ में कंप्लीट हड्डियों की संख्या जो होगी वो होगी 30। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर मैं आप दिखाता हूं, देखो यहां पर ये है क्लेविकल बोन।
तो ये वाली जो बोन होती है ना, ये वाली जो बोन होती है, ठीक है, लड़कियों में ब्यूटी बोन बोलते हैं, बड़ी सुंदर लड़कियां जो होती हैं उनकी ये वाली बड़ा आकर्षित लगती है, ब्यूटी बोन बोलते हैं। लड़का का जो क्या कॉलर, तो लड़के का कॉलर है तो इसको कॉलर बोन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है स्केपुला, तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, ये त्रिकोणी सी हड्डी होती है, इसको बोलेंगे स्केपुला, ठीक है। और ये है ह्यूमेरस, क्या है, ह्यूमेरस। तो आपको बता दें ये जो पार्ट है यहाँ पर जो हड्डी होगी इसको क्या बोलूंगा मैं, ह्यूमेरस बोलूंगा, ठीक है। और इसे तो तुम जानते होंगे का है, जे कोनी है, और कोनी मारने बड़ा मजा आता है। आगे बढ़ो, यहाँ पर आपके जो हाथ है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस हाथ मतलब ये वाला जो हाथ है, इस हाथ में दो हड्डियां होती हैं जिसको बोलता है, बोला जाता है रेडियस और अल्ना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से, तो ये हमारे पास ये कलाई वाला जो पार्ट है, कलाई वाले पार्ट में इसको बोलेंगे कार्पस बोलेंगे कलाई को, ठीक है। और ये हथेली वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे मेटाकार्पस, और जो उंगलियों वाला जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी हाथ काला हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला फेलेंजेस का है। तो आप लोग समझ चुके होंगे एक हाथ में कंप्लीट कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको सिखाते हैं पसलियों के बारे में है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा पसलियों की संख्या जो होती है वो होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी, जिसमें कि एक से लेकर सात ऊपर की जो पसलियां होती हैं उन पसलियों को कहा जाता है वास्तविक पसलियां। क्या बोलेंगे, वास्तविक पसलियां बोलेंगे। और यहाँ पर एक हड्डी होती है, तो बीच में बिल्कुल यहाँ पर एक हड्डी होती है, उस हड्डी को बोलते हैं ओरोस्थी। क्या बोलेंगे, ओरोस्थी कहा जाता है। यहाँ पर आठवीं नौवीं दसवीं जोड़ी की जो हड्डियां होंगी उनको बोलेंगे कूट पसलियां। जो पसलियां होती हैं वो कूट पसलियां होती हैं। और नीचे वाली ग्यारहवीं और बारहवीं जोड़ी जो ऊपर जो नीचे की तरफ, तो आपको बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई दे रही होंगी तैरती हुई, इसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे, प्लावी पसलियां। कौन सी होती हैं, ग्यारहवीं और बारहवीं जोड़ी को प्लावी पसलियां कहा जाता है। और ये है कशेरुक दंड, मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होगी। आइए अब रीढ़ की हड्डी के बारे में देख लिया, ये देखो ये अब रीढ़ की हड्डी को देख लो, कशेरुक दंड बोलते हैं। जो हमारे पास गर्दन होती है ग्रीवा कशेरुक, मतलब सभी स्तनधारियों में ग्रीवा कशेरुक में कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 7 होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बक्षीय कशेरुक, मतलब जहाँ पर सामने वाला जो पार्ट मतलब हृदय होता है, स्तन ग्रंथियां होती हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये कंका तंत्र के अंदर बंद होते हैं। कौन सा कंका तंत्र, तो आप बोलेंगे पसलियों के अंदर बंद होते हैं, ठीक है, ये बक्षीय भाग कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये कटिलंबर है, यहाँ अंतर कशेरुक की पट्टे हैं, यहाँ पर जो सेप्सन दिखाई दे रहे होंगे, नीचे की साइड में सैक्रम है, और यहाँ पर है अनुत्रक, ये वाली जो है ये जो वही है, कहा जाता है कि पहले के जमाने में हमारी पूंछ हुआ करती थी, जो पूंछ जो होती थी ना वो यही है, छोटी सी है, किसी किसी बच्चे में पूंछ आज भी आ जाती है, इसे कहा जाता है पूर्वावस्था का गुण है, ठीक है। और ये देखो ये हम सब लोगों का अंदर का, ये पता क्या है, अंदर का है ये खोपड़ी, मतलब हमारा जो मुंह ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आप सारे की सारी चीजों को पढ़ सकते हैं कि मैंडिबल अस्थि भी है, मैक्सिला भी है, नासेंस भी है, लैक्रिमल अस्थि है, एमोथ है, स्फिनोइड है, फ्रंटल है, माथा जो है ना माथा इसको फ्रंटल बोलते हैं, पैराटाइल है ना, टेम्पोरल अस्थि है, ऑक्सीपिटल अस्थि है, ऑक्सीपिटल डॉयल्स है, तो और नीचे की साइड में देख पा रहे होंगे ये हाइओइड अस्थि है, ये वाली जो अस्थि है ना इसी वाली हड्डी से जुड़ी हुई होती है जीभ, जिसके कारण जीभ ऐसे आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक सुंदर बहुत अच्छा एक आप लोगों के सामने डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम हो गया, अब आपके सामने चलते हैं इस वाले को देखो, ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। यहाँ से ऐसे फोटॉन्स आएंगे, यहाँ पर क्लोरोफिल के वर्णक हैं, ये अभिक्रिया केंद्रक हो रही है, और यहाँ पर प्राथमिक ग्राही है, ये यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से नाम दे रखे होंगे और आपको पहचानना होता है, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहले नंबर का प्रयोग है कि हमारे पास एक जार है, इस जार में एक चूहे को बंद कर दिया और एक मोमबत्ती लगा दी, जब मोमबत्ती लगा देंगे तो मोमबत्ती से CO2 निकलेगी, ये भी CO2 निकालेगा, इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो चूहा होगा वो मर जाएगा। लेकिन दूसरे जार में आपने देखा कि यहाँ पर मोमबत्ती है, यहाँ पर पौधा है, तो यहाँ मोमबत्ती से CO2 निकलेगी, वो CO2 ले लेगा पौधा, ठीक है, पौधे से निकलेगी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ले लेगा चूहा, जिसके कारण जो चूहा होगा वो रहेगा जिंदा। और इसी प्रयोग से
यहाँ पर दे रखे होगा, प्रिस्टले ने एक महत्वपूर्ण चीज की खोज की थी, जिसे की खोज की थी ऑक्सीजन की। तो पेपर में आएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो बोलेंगे प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो और दिखाता हूं मैं तुम्हें। बहुत सारे डायग्राम लेकर आया हूं आपके सामने, देखो सबसे ऊपर होता है किंगडम, उसके बाद नीचे होता है संघ, जो जंतु होगा उसके लिए संघ और जो पादप होंगे उसके लिए डिवीजन, उससे संघ के नीचे वर्ग, वर्ग को क्लास बोलते हैं, उसके नीचे गण, उसके नीचे कुल, उसके नीचे वंश, उसके भी नीचे जाति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम होता है और क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोकाई, जो सबसे छोटे प्रकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं। एक होते हैं बैसिलाई, जो छड़ा आकार के होते हैं। एक होते हैं स्पाइरेला, जो स्प्रिंग नुमा होते हैं, ठीक है, इसमें कशाप पाए जाते हैं। एक होता है विब्रियो कॉलेरी, जो कि अंग्रेजी के कोमा आकार के होते हैं, और जो कोल्ला बीमारी होती है वो इसी से होती है, हैजा जिसको बोल देते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, और ये स्ट्रक्चर क्या है, एक तंतुमी शैवाल है। कौन सा शैवाल है, तो बोलेंगे ये नो स्टॉक शैवाल है। नो स्टॉक और एना बिना एक ऐसे शैवाल होते हैं जो साइनोबैक्टेरिया के अंतर्गत आते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उस संरचना को कहा जाता है हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट ये वाले कोशिकाएं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने का काम करती है। और साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये है श्लेष्मी आच्छादन, चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है ये श्लेष्मी आच्छादन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पर आप लोग जो दिखाई दे रहे होंगे ये है एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो द्वि विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा, द्वि विखंडन द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर पता किस चीज की है, तो हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चर है गोंडुलेक्स। किसकी, गोंडुलेक्स की है, डायनोफ्लेजिलेट्स के अंतर्गत आता है। ये आपके सामने एक विशेष प्रकार का वायरस है जिसे टीएमवी वायरस बोलते हैं। ये जो है बैक्टीरियोफेज है, टोबैको मोज़ेक वायरस कुछ इस तरीके का होता है।